सबसे पहले मैं आउटलाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइंस के लिए। आउटलाइंस आपको एकदम लाइट बनाने हैं और धीरे से बनाने हैं। अब यहाँ पर हमारे आउटलाइंस हो गए। अब इसे शेड करते हैं। प्यूपिल डार्क करने के लिए मैं 10B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं 2B पेंसिल का यूज करके लेंस का बाकी का पार्ट शेड कर रहा हूँ। फास्ट फास्ट ड्रॉ नहीं करना है आपको, स्लोली अपना टाइम लेके फोटो को ऑब्जर्व करके करना है। इस आई के फोटो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शेडिंग की शुरुआत आपको लाइट लेयर से करनी है, एकदम डार्क नहीं करना है। लेयर बाय लेयर शेड कर करके फिर डार्क करना है। अब मैं 6B पेंसिल का यूज करके डार्क शेडिंग कर रहा हूं। लेंस का पार्ट हमारा शेड हो गया। अब मैं साइड का पार्ट शेड करने के लिए 2B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। शेड करने के बाद कॉटन के मदद से हमें इसे ब्लेंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ब्लेंड करने से टेक्सचर एकदम इवन हो गया और शेडिंग एकदम इसे स्प्रेड हो गई।
आईलैशेस की स्ट्रोक्स एकदम अच्छे से मारनी है। पहले मैं लाइट मार रहा हूँ स्ट्रोक्स, बाद में डार्क करेंगे। आई के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, वहाँ पर मैंने एकदम डिटेल में ड्रॉ किए हैं आई। आप वो भी देख सकते हैं वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दूंगा। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पर 10 बिट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, एकदम अच्छे से डार्क स्ट्रोक्स मारने के लिए।